वाराणसी में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसकी रोकथाम के लिए डॉक्टरों से बातचीत की गई है। वहीं BHU में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर 100 बेड के चिकित्सालय का उद्घाटन किया गया। संवाद था चिकित्सकों से और हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने एक संक्षिप्त प्रस्तुति किया और आगे आने वाली संभावित वेव के बारे में एक प्लानिंग को दिखाया। उसी के बारे में चिकित्सकों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने संवाद किया, अनुभवों के बारे में जानना चाहा और लोगों से कहा कि उन अनुभवों को डॉक्यूमेंटेशन करें। मुख्य इनका वही बिंदु था। सर, तीसरा वेव आने वाला, उसको लेकर क्या चर्चा? तीसरा वेव तो अभी कोई संभावित ही है, तो ईश्वर से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं तीसरा वेव ना आवे, लेकिन उसके लिए सब तैयारियाँ ऑलरेडी किया जाए कर चुके हैं, हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर संभावित वेव आ गई तो जिससे कि हम कहीं उसमें निपटने में पीछे ना रहें। सर, PM सर ने कुछ बातें कही हो, कुछ और उत्साहवर्धन किया हो आप लोग? उत्साहवर्धन किया प्रधानमंत्री जी ने, उत्साहवर्धन किया और कहा कि आप लोग चूँकि दो वेव ले चुके हैं, हम अपने अनुभवों को आप लोग उसको एक डॉक्यूमेंटेशन करी। मुख्य इनका बेसिस यही था और वैक्सीन के बारे में पूछा कि लोगों में वैक्सीन के प्रति कितना जो है अभी रुझान बढ़ रहा है। बीबी सिंह CMO ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 बेड के चिकित्सालय का उद्घाटन किया। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने सभी चिकित्सकों और सभी वाराणसी वासियों का धन्यवाद किया। कहा कि जिस तरह कोरोना की दूसरी लहर में डॉक्टरों की सबसे ज्यादा अहमियत रही, बीबी सिंह ने बताया कि PM ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर का आना संभव है। उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इस बार भी अस्पताल भरा रहे। उन्होंने कहा कि थर्ड वेव ना आए और अस्पताल खाली रहे। CMO ने कहा कि अगर बच्चों की वैक्सीन आएगी तो बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा।